हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है 8:30 और जिम करके आ गया हूँ। सुबह लेग्स लगाए आज और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं। लेग्स लगा के नहा भी लिया हूँ और अभी निकल रहा हूँ मैं घर के लिए। घर जाने से पहले अभी अश्विन भाई को एक बार थोड़ा सा प्रोटीन देते हुए जाना है और मैडम को भी मैंने उठा दिया है। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल, गुड मॉर्निंग। कंधा दुख रहा है तो अच्छी बात है, तो दुख रहा है तो दुख रहा है। मैं ऐसा कब ज़्यादा नींदों में है क्या? देखो मैंने 1000 बार बोल दिया, जब उस पर वो ट्यूब लगा के सो जा तो ठीक हो जाएगा, सुनती है नहीं, फिर रोती रहती है हर रोज। समझ में तो आती नहीं, तेरे घुसा पड़ना चाहिए एक तो जोर से। और अभी आ रहा हूँ जो बहाने मार रही है, जिम नहीं जाऊंगी और आज इसको एनी हाउ लेकर जाऊंगा। मैंने सुबह सुबह उठते ही नहीं बोला मेरा दुख रहा है गंदा। हाँ तो दुख रहा है तो मैं क्या करूँ, इस पर अभी वो लगा ले और अभी सोचा 1 घंटे में ठीक हो जाएगा थोड़ा। 1 घंटे सोचा? हाँ 1 घंटे सोचा। मैं आ रहा हूँ 1 घंटे में घर जाके रेडी मिलना, आज तक मैं जिम लेके चलूंगा। हाँ तो कमजोर हो ही जा रही है और एनर्जी है नहीं बॉडी के अंदर, खाता पीता कुछ है नहीं ढंग से। अब ऐसे क्या देख रही है? लेके चलूंगा बेटा जिम आज तक को, बहुत आलसी हो रही है आजकल। रोज रोज फिर इसी ने कल जाऊंगी, अभी उठ के बोल रही कि मंडे को जाऊंगी। संडे को भी ओपन होता है जिम, आज से चलेगी, तेरे रोज छुट्टी हो जाती है, आज भी चलेगी, संडे को भी जाएगी और बाकी दिन भी जाएगी। अभी चाहे तो सो जा, आधे घंटे सोना है तो तेरे को, वो ट्यूब लगा के सो जा, फिर जिम चलते हैं। आ रहा हूँ मैं फटाफट। कालू नहीं भी जाएगा ना, तेरे को मैं लेके जाऊँगा जिम। थोड़ी सी तो एक्सरसाइज वगैरह कर, कैसे कंपटीशन करेगी? बगल में खड़ी भी अच्छी तो लगनी चाहिए ना, या मैं एकदम फिट एकदम और तू देख ढीली ढाली सी, दप्पू सी, पतले। तेरे लेकर के आऊँ खाने के लिए, केले लेके आ जाऊँ और बस। चल ठीक है। वैसे ना फर्स्ट सर्विस के बाद ना बहुत अच्छा एवरेज दे रही है, मतलब ये 14.8, मतलब 15 तो कैसे भी मैं चाहे से रफ चलाऊं या कैसे भी ट्रैफिक में भी चलाऊं तो भी 15 तो आ ही रहा है, तो बहुत अच्छा दे रही है एवरेज ये। और खाली रोड पर आराम से 24 दे रही है। शिट, घर पहुंच गया और मैं ये प्रोटीन देना भूल गया भैया को। फ़ोन करके बोलता हूँ एक बार, फटाफट से गुस्सा करेंगे यार। हो गई बात, वो वेट कर रहे हैं तो मैं भी जल्दी से फटाफट से घर से खाना वगैरह सब लेता हूँ और फटाफट उनके पास प्रोटीन पहुँचाता हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या है एक्सरसाइज कर ली और अभी उनकी एक्सट्रीम मतलब एकदम एडवांस लेवल की एक्सरसाइज चल रही है और प्रोटीन उनका लेना ज़रूरी है, तो इसलिए उन्होंने कम से कम 10 बार कॉल कर दिया किधर में आएगा किधर में आएगा किधर में आएगा, क्योंकि उनको सही में वो लेना है, डाइट में है उनके। तो अभी फटाफट से फ्री होकर निकलता हूँ। नारियल पानी आज मम्मी ने पहले से मंगा के रखे थे, एक मंगा के रखा हुआ है और ये बनाना, तो नारियल पानी पियेंगे, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे और 4 केले खाने में जाए। तो बार बार घूम रहा हूँ, उसको पता है जब भी मैं किचन से बाहर जाता हूँ ना तो ड्राई फ्रूट्स साथ में लेके जाता हूँ और उसको खाने को मिलता है। थोड़े से वॉलनट, थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, मम्मी ने भिगोए नहीं बादाम तो आज ऐसे ही खा रहा हूँ। इधर का ही वेट कर रहा था कि बस मैं आऊँ और इसको ये ले। टिफिन पैक। हेलो गुड मॉर्निंग, दूसरी बार जैसे आंखों की नींद है क्या? हाय लंबू। हाय टिड्डे। बहुत दिन हो गया तेरे को टिड्डे बोल रहा है। गाइस कमेंट टिड्डे। अच्छा। कमेंट जिराफ की जगह कमेंट टिड्डे। हमें मेरा प्रोटीन खत्म हो गया, मेरे को इसका बड़ा प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो ये आदमी तो पानी की जगह प्रोटीन पीता है सिर्फ। हाँ आजकल ये पानी की जगह प्रोटीन ही पी रहा है। तेरी मम्मी ने बहुत कुछ बनाया था श्राद्ध पे, मेरा तो ऐसे मन हो गया मेरे को भी खाना है। पहले मैंने इसको बोला, मैंने कहा जब तेरे मम्मी पापा का श्राद्ध होगा तो अपन भी ना अच्छा अच्छा कुछ बनाए। वो क्या कर रहे हैं ऊपर, बच्चा पार्टी सो रहे हैं? अरे तीन सो रहे हैं। एक तकिया नहीं था हमारे घर में शिवाज का, और आज सुबह पूरे में से कॉटन निकाल के। हाँ तो अच्छी बात है ना, वो अल्कोहल बाहर अल्कोहल बंद कर दिया इसलिए वो तकिया भी। इस कॉलोनी के सारे स्ट्रीट डॉग्स यहाँ पर खाना खाते हैं और थोड़ा सा दूर है। क्योंकि है ना वो डिफेंस के लिए इससे लड़ लेती है तो उसके भी हो रहे हैं, दोनों मुंह पे बच्चों को बचाने के चक्कर में। उधर एक होल है उसमें, दो जनों ने बेबीज कर, एक इधर है लेफ्ट में इधर, और ये आपस में लड़ लेती दोनों में। हाँ बिल्कुल आसपास ही, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर अच्छा रहा यार। ओके वहाँ पर बेबी थोड़े दिन बाद वो उछलते कूदते आएंगे ना यहाँ पर खाना खाने के लिए, तब दिखाएंगे हम आपको। गुड गर्ल नहा धो ली और पूजा कर रही है, उसके बाद हम जिम जाएंगे। किसने बोला? मैंने बोला। काम तू कर लेना फिर। जिम नहीं जाएगी? अरे तो मुझे काम है आज, अभी तो मुझे को एक तो लुक रिक्रिएट करना है, एक यूट्यूब वीडियो बनाना है। अब काम का बहाना दे दिया इसने तो मैं तो क्या ही बोल सकता हूँ।
बहाना क्या होता है? वर्क इज इंपॉर्टेंट, देख लेना तू। चल ठीक है, काम कर ले रे यार। अब तो मेरे केले कहाँ हैं? जिम चल, तेरे को तो मैं जिम लेके जाऊंगा, केले तेरे से लाए नहीं गए एक है। तू जा ही नहीं रही ना जिम, इसलिए मैं ला रहा हूं। वो तो मैंने तुझे अभी बताया कि अपन नहीं जा पाएंगे, लेकिन तू तो ये तो, अरे जा रहे, भगवान कितना बड़ा झूठा है। अरे वहीं पर रखे रह गए केले यार। कितने खाए? दो खाए तूने, मना किया तेरे को ज्यादा मीठा खाने के लिए। अभिषेक की मम्मी ने इतने प्यार से पेड़े बना के भेजे मेरे लिए, तो मैं क्यों नहीं खाऊं? अरे खा, लेकिन फिर स्किन तेरी ऑयली है और तू इतना मीठा खाता है फिर। आपको बताइए ये पेड़े ना, मैं जब सेवेंथ क्लास में था, सेवेंथ एट में, अभिषेक के घर पे जाता था, तब ना ये आंटी ने एक बार खिलाए थे। उसके बाद मैं चुपचाप से अभिषेक को बोलता था, अभिषेक यार वो देना यार एक पीस, बहुत टेस्टी लगती है। इसलिए मैंने आंटी को बोला था मुझे बना के दो, बहुत टाइम हो गया खाए हुए। क्या हो गया? 12 साल ये इतनी सारी पार्टियां क्यों दे रहा है तू? शर्मा क्या खिलाया? ये तो मेरे चॉकलेट पारी पारी, हर्ष भाई के 400 के की पारी। ला इधर आ, इधर आ। और क्या है? इधर आ, इधर आ। भाग कैसे रहा है? बच्चा आ रहा है तेरा, अभी गया है वो, पैदल चला गया, गाड़ी तो नीचे खड़ी है। थैंक यू सो मच गाइस, हर्ष के 400 के हो चुके हैं और हम बहुत सारी खुशी मनाएंगे। Having poha after so many days. सूरज वहाँ पे बैठा है, अपना काम वाम कर रहा है और मैं यहाँ पे ले आई कैमरा, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ रिक्रिएट लुक। एक सॉन्ग आया है विच इज़ हिना खान सॉन्ग, एंड मुझे उनका जो लुक है उसमें वो बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने सोचा आज मैं उसे रिक्रिएट करती हूँ। और मैंने उसको मना किया कि तू यहाँ मत आना और मैं भी वहाँ नहीं जाऊँगी, जब मैं पूरी रेडी हो जाऊँगी ना उसके बाद जाके मैं उसको दिखाऊंगी कि हम कैसा लग रहा है। वैसे अभी मैंने अपना एक वीडियो का पार्ट शूट किया है जो कि मेरा हाफ रह गया था, वो सब कंप्लीट हो गया। पहले हम लोग खाएंगे खाना, उसके बाद हम लोग रिक्रिएट करेंगे। तो चलिए, आर यू रेडी? जोर से बोल यार जिया। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। नवरात्रि आने वाली है। जय माता दी। ओके, सो ये लुक है जो मैं रिक्रिएट कर रही हूँ। हाँ, वो आउट हो गया। क्या? ओह, आई एम सो सॉरी। ओके ठीक है, अभी दिख रहा है? ये लुक है जो मैं रिक्रिएट कर रही हूँ हिना का, इसमें बहुत ही कूल सा और एकदम फियर्स सा लुक है, वो मैं रिक्रिएट कर रही हूँ। वैसे मैंने ब्लैक पूरा पहन लिया, मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, बस मेकअप चालू करना है। और हमारा सेटअप देखो, ये दो लाइट्स आज हमें बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, मतलब वो दे रही है हमारे वीडियो के लिए। मैं बहुत खुश हो गई। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आईब्रोज अपनी बना ली हैं, नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स माय मेकअप। अब इसमें मैं रखने वाली हूँ स्मोकी आईज। स्मोकी आईज में ना देयर इज अ ट्रिक जो मैं हमेशा करती हूँ, मैं जो अपनी पहले ही लोग क्या करते हैं, कंसीलर, लाइट कंसीलर लेते हैं ताकि आपका जो कलर है वो अच्छा दिखे। बट अगर आप स्मोकी आईज कर रहे हो उसमें भी ब्राउन स्टोन ले रहे हो, तो मैं ब्राउन स्टोन ले रही हूँ, तो उसमें आप क्या करो, डार्क कंसीलर, ये मेबलिन का कंसीलर है, इट इज़ इन द शेड 50 कैफे, तो इसको मैं लेती हूँ और उससे पहले ही डार्क कंसीलर से सेट करती हूँ। और फिर लूज पाउडर के लिए, मतलब अपने जो कंसीलर लगाया उसको सेट करने के लिए, मैं एक ब्राउन आई शेडो लेती हूँ, तो उससे ही आपका आधा काम हो जाता है। अभी तो बेटा डिफ्यूज कर रही हूँ मैं जो पैक किया है ब्राउन के साथ उसको। डिफ्यूज कर रहे हो? बॉम्ब का है, बॉम्ब बॉम्ब का। तुम लोग मुझे यहाँ पे लाइट मैन की तरह बिठा के रखा है। इतनी देर से परेशान हो रहे, बार बार मेरी लाइट है ना बहुत देर तक चलती रहती है ना, जब देखो एक स्टेन आ गया फेस पे। जब आपकी चीजें भूलने की आदत है ना, क्या करूँ, ये हमें महंगी पड़ रही है। मेकअप के बाद याद आया कि लेंसेज पहनने थे और मेरा हाफ मेकअप डन हो चुका है, पर ठीक है, आई विल मैनेज, मैं पहन लूंगी। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, ये जो लेंस है ये मेरी आँख पे टिक नहीं रहा है, मतलब एज इन मेरी आँखों से ये इधर उधर हो रहा है, मुझे मेरा विजन ठीक नहीं है, तो हमारे पास एक और लेंस पड़े, मैं वो पहनूंगी अभी, मुझे ठीक से ना, आई कैन नॉट इवन टॉक, क्योंकि मेरी आँख से ही बार बार इधर उधर हो रहा है, बहुत अजीब लग रहा है मुझे। उतारो, उतर उतर ले ले, हाथ ले हाथ ले, आराम से मिल गए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लाओ दो दो दो। बारिश आ रही है, वो भी इतनी तेज, वो भी इतनी तेज, धड़ धड़ आवाज आ रही है। और अब देखो कैसा लग रहा है। ये है हिना खान का लुक, दिस इज हर लुक, लेट मी जस्ट शो यू। ये है हिना खान का लुक और ये जो मैंने रिक्रिएट किया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, सो मैंने ट्राई किया कि मैं पूरा कर पाऊं, बट या होपफुली मेरे लेंसेज बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे हैं। आई डोंट नो वाई, अभी तक एकदम ठीक थे बट अभी थोड़ा परेशान कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सूरज को लुक दिखाने के लिए, लेट्स सी उसको कैसा लगता है। आई एम क्वाइट नर्वस क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जजी है इन सब चीज़ों को लेके, मुझे फट से कह देता है ये अच्छा नहीं लग रहा, फलाना अच्छा नहीं लग रहा, तो लेट्स सी उसको कैसा लगता है। सूरज पीछे मुड़, पीछे मुड़, डर जाओगे। कैसी लग रही हो? ओ तेरी भी।
कैसा लग रहा है? भयंकर बढ़िया फैंस नहीं है ब्यूटीफुल हाय ब्यूटीफुल देखिए तो सो क्यों उठा है उठ जा उठ जा कैसा लगा वाह खतरनाक सीरियसली दो बार है ब्यूटीफुल बोलो सलाम ब्यूटीफुल अच्छा लगा बिल्कुल डिटो जो तूने फोटो दिखाई थी ना मुझे हाँ बिल्कुल वो लुक आ रहा बिल्कुल ये हम सक्सेसफुल हो मैंने कहा था नहीं बहुत जजी है मुझे फट से बोल देता है पर अगर इसने बोल दिया तो फिर अभी मैं बड़ी कूल बिल्कुल देखते ही तेरे को मेरे को वही फोटो दिमाग में आई एकदम से बिल्कुल बस तो फिर देन आई एम सक्सेसफुल तूने लेंस वगैरह अभी सब लगा लिए ना और यार खतरनाक बस मैंने बाल कर्ल नहीं किए क्योंकि बाल कर्ल करने वाले में एक की वजह से तू वैसे ही लग रहा है हां वो ये इसकी वजह से और यार अच्छा लग रहा है मान गए थैंक यू फिर भारत लिया यस जब जब मैं सोता हूँ ना तब तू मस्त काम करता है कल से मैं रोज सोऊंगा तू रोज मस्त काम करियो स्पेक्ट्रम बोलते हैं ये वो भैंस भी पहनती है ना अरे मतलब वैसे पहना के रखते हैं ना गाय को भैंस को पहना के रखते हैं तेरे को नहीं बोल रहा भाई लुक बनाने के चक्कर में मैंने खाना नहीं खाया मुझे भूख लग रही है चलते कुछ खिला लेंगे चले फिर कहाँ चलेगा सुबह से लगी हुई है यार इसने आज मेहनत करी तूने आज चल ठीक है मैं रोज मेहनत करती हूँ तेरी तरह सोती नहीं हूँ मैं हाँ. मतलब सोता yes, yes, that is true. जब तुम सोते रहते हो ना तब मैं जाग के मेहनत करता हूँ जिम जाता है तो तू वो तो अपनी मेहनत करता है वो खाना भी इसने मंगाया था लेकिन वैसे कैसा रखा रह गया ठंडा हो गया तो ले चल आज तुझे इतनी मेहनत कर रहे हैं ना तो मैं तेरे को कुछ खाने खिलाने लेके चलता हूँ कैसा खराब आदमी है देखो तो मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा चलो गाइस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना मिलते हैं बाय बाय